हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी को नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद सर। आप लोगों के सामने आज फिर से एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के माध्यम से। आप लोगों के सामने मैं आज संख्या पद्धति पर आधारित एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि संख्या पद्धति पर आधारित है। एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि विस्तारित रूप अर्थात स्थानीय मान के बारे में, विस्तारित रूप क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनके बारे में भी जानेंगे, और जो प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी लोग इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इनके माध्यम से और लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंच पाए। जो लोग पढ़ने में अक्षम है या जिनको कोई समस्या होती है, किसी कारणवश कोचिंग में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए वीडियो कारगर हो, ताकि एग्जाम में वो अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाए, मेरी यही कामना है। तो दोस्तों आइए हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आप लोगों के सामने एक संख्या देता हूँ, 3588 का विस्तारित रूप बताइए। प्रश्न आपका है 3588 का विस्तारित रूप बताइए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या बताना है, आप यहां पर 3588 ऐसे लिख दीजिए, इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो आप क्या करेंगे, तीन पहला इधर से चलते हैं हम, तीन को आप लिख दीजिए, इसके बाद तीन के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, ये तीन अंक हैं। तो तीन को लिख करके आप क्या करिएगा, उसके आगे जीरो की संख्या कितनी है, जितने अंक तीन के आगे हैं उतने जीरो की संख्या को आप लिख देंगे। तो देखिए इसी प्रकार से जो दूसरी संख्या आपको मिला पाँच, पाँच के आगे कितने अंक हैं, दो अंक हैं, तो पाँच के आगे हम क्या करते हैं, दो जीरो लगा देते हैं। फिर से आगे चलते हैं, आठ लिखा आपने, आठ के आगे कितने अंक हैं, तो एक जीरो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप लास्ट अंक पे आ गए, जो यहाँ पर इकाई के जगह पे है, ये है आठ, आठ के बाद कोई अंक नहीं, इसलिए वहाँ पर हम जीरो नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ आपका विस्तारित रूप। देखिए कितना आसान है विस्तारित रूप ज्ञात करना, तो यही आपका क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया। दोस्तों जो विस्तारित रूप होता है वही क्या होता है, स्थानीय मान होता है। तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3588 में पांच का स्थानीय मान बताइए, प्रोसेस वही है, सिर्फ आपका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे पांच का स्थानीय मान आपको बताना है, तो आप यहां से गिनते हैं, ये है इकाई, ये है दहाई, और ये है क्या, सैकड़ा, ये होता है हजार। तो आप देखिए सैकड़ा पे हैं, तो यहां पर क्या होगा, 5 लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर क्या हो गया, 500। तो यहां देखिए जो आपका 5 का यहां पे क्या आया था, विस्तारित रूप में वैल्यू आई थी, वो क्या है, आपका स्थानीय मान के रूप में है। अर्थात विस्तारित रूप और स्थानीय मान दोनों एक ही होते हैं, यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि विस्तारित रूप में, सॉरी जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए 3588 में आठ का स्थानीय मान बताइए, तो यहाँ पर आठ का स्थानीय मान क्या होगा, एक आठ का स्थानीय मान क्या होगा, आठ ही होगा, दूसरे आठ का स्थानीय मान क्या होगा, 80 होगा। तो देखिए दोस्तों ये तो था सिंपल प्रश्न, सिंपल प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाते हैं, लेकिन प्रश्न कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए, यहाँ पर अंक लिख दिया जाए 5853.257 का विस्तारित रूप बताइए। ये प्रश्न आपका देखिए ये दशमलव पर आधारित प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप किस तरह से देंगे, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि पाँच का आप क्या लिखेंगे, पाँच के आगे जीरो की संख्या 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आठ होगा, आठ के आगे देखिए 1 2 2 अंक हैं, तो 2 0 लिख दिया। पाँच के आगे कितने अंक हैं, एक अंक है, तीन के आगे कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है। इसके बाद दशमलव है, दशमलव है तो आप जानते हैं कि जैसे दशमलव तीन, यहाँ पर कोई संख्या आपको दे दिया जाए दशमलव तीन, दशमलव तीन को आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं आप, दशमलव तीन को जब भिन्न में बदलते हैं, एक अंक पे दशमलव लिखा है, इसका मतलब
आप क्या करते हैं 3/10 लिख देते हैं। ऐसे ही अगर आपका 0.23 लिखा हुआ है तो इसको आपको जब बदलना होता है भिन्न में, तो आप क्या करते हैं 1-2 अंक पे दशमलव है, इसका मतलब 2-3 लिख करके 1-2-2-0 लिख दिया, यानी ये पूरे के पूरे अंक को हम लिख देते हैं। उसके बाद जितने अंक पे यहाँ दशमलव लगे हुए हैं एक लिख करके उतने शून्य वहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपका क्या है दशमलव, ऐसे ये आपका क्या हो गया 0.2 हो गया। 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 5 को अगर आपको लिखना हुआ तो आप क्या करेंगे, अभी आप इसको छोड़ देंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे बटे 1-2 अंक है यहाँ पर, तो 2 अंक पे क्या, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 100। इसी तरह से आप 7 को लिखना होगा 1-2-3, तो 7/ क्या हो जाएगा 1000। ये हो गया आपका विस्तारित रूप। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, किस तरह से आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हम आपको फिर से बताएंगे अगले वीडियो में जो समस्या आपको आ रही है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक आपको बताया है, मैंने आपसे बोला था कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा टॉपिक कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसका हम सलूशन आपके सामने फिर से ला के रख सकें, आपको अधिक से अधिक समझ में आए, आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाएँ, यही मेरी कामना है। तो देखिए मैं आपके सामने एक दूसरे टाइप से प्रश्न लिखता हूँ। एक होता है दोस्तों, ये तो हो गया स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। किसी संख्या का जो जातीय मान होता है, जातीय मान, देखिए जानते सब लोग हैं जातीय, लेकिन जातीय शब्द अगर आपके सामने एग्जाम में पहली बार आया, आप अभी तक जातीय मान नहीं सुने हुए हैं, तो आपको लगता है कि जातीय मान क्या होता है। अगर आप पढ़े हुए हैं, आपके पास कभी जातीय मान शब्द आया हुआ था एग्जाम में करने से पहले, यानी घर पे प्रैक्टिस सेट करने से पहले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप अचानक पेपर देने चले गए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, वो घर पे पढ़ नहीं पाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं। जबकि एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, आप जैसे जाति मान आपसे पूछ देगा, कहेगा तीन का जाति मान क्या है, तो तीन का जाति मान 3 ही है। अगर आप पहली बार देखे हुए हैं तो आपको लगता है कि ये जाति मान क्या होता है, आपको आता हुआ भी आंसर आप नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जाति मान क्या होता है, जैसे 0 का जाति मान, 0 का जाति मान क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का जाति मान 1 होगा, 2 का जाति मान 2 होगा, 3 का जाति मान 3 होगा, 4 का जाति मान 4 होगा। चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे वो दहाई के स्थान पर हो, चाहे वो सैकड़े के स्थान पर हो, जाति मान कभी नहीं बदलता है। तो दोस्तों प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, 3455 में 4 के स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का योगफल बताइए। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3455 में 4 के स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का योगफल बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस केवल आपको क्या करना है, 4 का स्थानीय मान कैसे आप निकालेंगे बिना कुछ किए, आप जानते हैं 4 यहाँ पर है, 4 ऐसे लिख दीजिएगा, 4 के आगे अंकों की संख्याओं को गिनिए, 4 के आगे अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए क्या होगा 2-0 आप लगा देंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया 4 का स्थानीय मान हो गया। ऐसे ही 5 का जातीय मान आपसे पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न में 5 का जातीय मान आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर 5 का जातीय मान यहाँ पर 5 है, 5 का जातीय मान यहाँ पर 5 है, हम यहाँ अंक बदल देते हैं, कुछ इस तरह से प्रश्न, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते एग्जाम में। जैसे यहाँ लिखा है 5 का जातीय मान, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 5 का जातीय मान, भले ही ये कहाँ पे है, दहाई के स्थान पर है, भले ही दहाई के स्थान पर है, लेकिन 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, तो आंसर आपका आएगा 405। देखिए कितना आसान है। इसी प्रकार से मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न लिखता हूँ, 3478 में 3 के स्थानीय मान व 7 के जातीय मान का अंतर बताइए। तो दोस्तों देखिए आपके पास क्या है, 3478 में 3 के स्थानीय मान व 7 के जातीय मान का अंतर बताइए। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान तो आप देख रहे हैं 3 लिख दीजिए, 1-2-3, इसके आगे कितने अंक है, 3 अंक है, इसलिए 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 लिख करके 3 के आगे अंक कितने 0 लगाएंगे, 3-0 लगा देंगे। अब इसमें क्या करना है, घटाना है, किसको घटाना है, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, इसको यहाँ पर आप घटा देंगे तो क्या होगा, 2900
93 ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर भी करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाता है सभी लोगों का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, लोगों को घबराहट होने लगता है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको क्या है एग्ज़ाम से पहले अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर लेना है, एग्ज़ाम के समय में घबराना नहीं है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में आपको क्या होते हैं कुछ सरल प्रश्न दे देते हैं और इसके बाद क्या होता है उससे थोड़ा सा टफ प्रश्न होता है, फिर इसके बाद क्या होता है बीच में एक प्रश्न कुछ टफ दे देता है जो आपको क्या होता है समझ में नहीं आता है। तो इसको एग्ज़ाम में आपको क्या करना है विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले 7 जुलाई को क्या है सीटेट का एग्ज़ाम है। तो सीटेट का एग्ज़ाम देखते हुए हम लोग टॉपिक को आपके सामने ला रहे हैं और सामने अभी क्या होगा नवंबर या दिसंबर में यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, तो उसी के पर्पज़ से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इसके बाद जो लोग अभी नए आएंगे यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए उनके लिए भी ये वीडियो बहुत कारगर है। तो जिन लोगों का ये क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम या क्वालिफाई कर चुके हैं अगर उनके पास तक ये वीडियो पहुंच रही है तो वो लोग अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो लोग अभी यूपी टेट या सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा, उनके लिए थोड़ा आसान होगा किस तरीके से ये प्रश्न को हल करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने अभी एक नए प्रश्न को रखता हूँ, आइए देखते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए स्थानीय मान निकालना है, जैसे 3599.258 में सभी अंकों का स्थानीय मान, हम आपको बताने जा रहे हैं सभी अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर आपने 3 का तो देखा, 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 के आगे कितने 0, 3 0। इसके बाद 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे 2 0। 9 का स्थानीय मान, 9 के आगे 1 0 प्लस 9। अब देखिए यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो 9, अब यहाँ पर 2 का स्थानीय मान अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे 2/10 लिख देंगे, 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 5/ क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 8/1000 लिख देंगे। अर्थात इसका जो स्थानीय मान है आप इसमें भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.008 मिलेगा, 5 का स्थानीय मान क्या मिलेगा 0.05 मिलेगा, 2 का क्या मिलेगा 0.02 मिलेगा। तो ये रहा आपका क्या है स्थानीय मान। अब इनमें से भी अंतर पूछा जा सकता है कि 8 का जो जातीय मान है और 9 का जो जातीय मान है वो क्या है, जातीय मान तो वही होता है, जातीय मान कभी बदलता नहीं है। तो जातीय मान के बारे में आपको हमने पहले ही बता दिया, तो आप इस तरह से प्रश्नों को अब हल कर पाएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक से कुछ मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। जैसे आपको इकाई का अंक ज्ञात करना था, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, कुछ लोग नए होंगे अभी उनके पास तक वो वीडियो नहीं पहुँच पाया होगा तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 335 हो गया मल्टीप्लाई 720 हो गया गुणे 387 हो गया में इकाई का अंक आपको बताना है। ऐसे प्रश्न में इकाई का अंक बताने के लिए आप क्या करते हैं, अगर बीच में यहाँ पर किसी भी एक इकाई के अंक का मान 0 हो गया तो आपका इकाई क्या आएगा 0 आएगा, और अगर आप क्या करते हैं 335 रहा होता और यहाँ मल्टीप्लाई 222 रहा होता मल्टीप्लाई 387 रहा होता तो भी आपका क्या आता इकाई का अंक 0 आता। क्यों 0 आता, क्योंकि 5 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता 10 मिलता। अब यहाँ पर इकाई का अंक 0 हो गया और इसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इकाई का अंक क्या आएगा आपका, ये इकाई आपका 0 आएगा। दोस्तों देखिए कितना आसान सा ट्रिक है, अगर कहीं आपका क्या हो गया कई संख्याएं एक साथ दी गई हैं मल्टीप्लाई किया गया आपस में उसमें बीच में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है इकाई का अंक आपका 0 हो जाता है। अगर पूरी वैल्यू आपको ज्ञात करनी हुई तो भी क्या हो जाता है आपका ये 0 हो जाता है। जैसे आपको मैं एक बुरा बताता हूँ, एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं इस टाइप से भी, जैसे आपके सामने प्रश्न रख दिया जाए 3 7 8 5 मल्टीप्लाई बाई 9
9 9 9 इस तरह से प्रश्न दोस्तों, अक्सर प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, 9 9 9 का ही मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि 9 क्या है, सबसे बड़ी अंक है। तो एग्जामिनर के पूछने का मतलब यही होता है कि कोई भी पहाड़ा क्या होगा, 9 का सबसे बड़ा होगा, सबसे लंबा होगा। एक का पहाड़ा तो बड़ा आसान है, 2 का भी आप दुगुना कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछने का मतलब होता है कि 9 क्या होती है, सबसे बड़ी अंक होती है। एक अंक की संख्या में 9 सबसे बड़ी होती है, 2 अंक की संख्या में 99 सबसे बड़ी होती है, 3 अंकों की संख्या में क्या होता है 3 अंकों की संख्या में 999 सबसे बड़ी संख्या होती है, और 4 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। उससे बड़ी 4 अंकों की कोई संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि आपके पास क्या तरीका है, किस तरीके से आप कितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू केवल आप देखते ही लिख लेंगे। जैसे 7 8 5 कुछ नहीं करना है आपको, ये 3 अंक लिखा हुआ है, सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है 3 0 आगे बढ़ा देना है। इसके बाद जो अंक यहाँ पर दिया हुआ है उसको यहाँ पर सीधे आपको क्या करना है, लिख करके घटा देना है। यहाँ से 0 में से 9 नहीं घटेगा, आप यहाँ से एक करी ले आएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पर 9 में से 9 गए 0, अब यहाँ बचा है 4 और 8 7 3, ये रहा आपका आंसर। दोस्तों आप गुणा करके देख सकते हैं, अब इस तरह से प्रश्न चाहे जो भी पूछा जाए आप बड़े आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे आपके सामने मैं प्रश्न रखता हूँ, 9857 मल्टीप्लाई बाई 9999, यानी 9999 में इसका गुणा करना है। देखने में आपको टफ लग रहा है कि इतना लंबा गुणा कैसे करना है, लेकिन यहाँ हमने आपको जो ट्रिक बताया है वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। दोस्तों बस आपको क्या करना है, आपको जो अंक दिया हुआ है 5 7 लिख करके 9 9 9, जितनी बार 9 9 9 है उतने 0 आपको यहाँ पर आगे बढ़ा देने हैं। इसके बाद क्या कर देना, 9 9 9 9 इसके नीचे लिख करके इसको घटा देना है। तो 0 में से 9 घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपका, घटेगा नहीं, बगल से 10 में से 9 गए 1 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0, ये क्या आएगा 6 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, ये रहा आपका आंसर। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। एकदम आसान तरीका, एकदम सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे दो संख्याओं का योग दे दिया, यानी दो संख्याओं का योग आपको दिया है 24, दो संख्याओं का योग क्या है 24 है, 2 संख्याओं का योग 24 है तथा अंतर, दो संख्याओं का योग दिया है क्या है 24 है और अंतर क्या होगा, अंतर जैसे दे दिया है 12 है, ठीक, दो संख्याओं का योग क्या है 24 है और अंतर क्या है 12 है। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, संख्याओं के वर्गों का योग फल बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप इस तरह से भी लगा सकते हैं इसको, माना वो दो संख्याएं क्या हैं x और y हैं, तो आप क्या करते हैं x और क्या लिखते हैं ऐसे x प्लस y, यानी दोनों संख्याएं क्या होंगी, ऐसे कहते हैं माना दो संख्याएं x तथा y हैं, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग बराबर 24 लिख दिया आपने, क्वेश्चन एक मान लिया। फिर कहा है दोनों संख्याओं का योग 24 है तथा अंतर क्या है 12 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर क्या है 12 है। अब आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान करके क्या करते हैं, हल करते हैं, यहाँ पर क्या आता है जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा यहाँ पर 12, इसमें जोड़ेंगे 4 2 6 2 1 3, यहाँ x बराबर क्या आएगा 36/2 बराबर क्या आएगा 18। अब यही x का मान यहाँ रख देंगे तो 18 माइनस वाई बराबर प्लस वाई बराबर क्या हो गया 24, y बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 18, y बराबर क्या मिला 6 मिला। तो देखिए 18 में 4 जोड़ा तो क्या मिला 24 मिला, और 24 में से आपने 6 घटा दिया तो क्या मिल गया 12 मिल गया, तो आंसर तो आपका सही है। बट
ये प्रोसेस करने में थोड़ा सा दिक्कत है आपको, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये क्या इक्वेशन है, कैसे जोड़ने पर फिर या कैसे घटाने पर, ये हमें नहीं पता है ये किस तरह से हल होगा। तो मैं आपको सिंपल मेथड बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा प्रश्न आपको दिया गया है तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करेंगे बड़े ही आसानी से। तो देखिए दोस्तों, मैं बता रहा था आप लोगों को कि दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया गया होता है तो संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको बताना होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने आपको x और y मान करके लगा करके बताया, x का मान भी आपको मिल गया और y का मान भी आपको मिल गया। जब x और y का मान आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप x और y के मानों को लेकर के अर्थात x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर, यही तो आपसे पूछा था, तो x का यहाँ पर आपको मान पता है कितना है, 18 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18 का वर्ग आप करेंगे तो क्या आता है, 18 का वर्ग तो आपको याद होना चाहिए, वैसे भी यहाँ पर 18 का वर्ग जो होता है वो 324 होता है और यहाँ पर आप 324 लिखेंगे प्लस 6 चाह के 36 लिखेंगे तो यहाँ से जब आप 6 जोड़ देंगे तो 360 आएगा। आप वैसे भी अगर 18 नहीं पता है तो आप ऐसे 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 हासिल 6 8 9 8 6 14 8 1 यहाँ 4 8 4 12 हासिल 1 2 1 3 324 आ रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग तो याद करना बहुत ज़रूरी है, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग आप याद करके रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जो है 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग जो है याद कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में समय क्या हो बच जाए। अगर आप एग्जाम में गुणा करने में या वर्ग निकालने में अपना समय लॉस करते हैं तो शायद है कि आपका एक आध दो क्वेश्चन छूट जाए, अगर वही आप पहले से लर्न करके जाते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग 1 से 20 तक का वर्ग या 1 से 30 तक के, बहुत से लोगों को 1 से 30 तक का भी वर्ग याद होता है और क्यूब भी आपको कम से कम तो 20 तक तो क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू तो निकाल लिए, अब हम आसान सा तरीका बताएंगे, आपको समीकरण मानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका क्या हो जाता लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है, इससे आसानी से कैसे निकालेंगे, ये जो ट्रिक है आपका क्या है ट्रिक बता रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल, ये तो हम लोग एकेडमिक में पढ़ाते हैं इस तरह से लोग याद निकालते हैं, बस केवल आपको क्या करना है, जो दो संख्याओं का यदि योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो और संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे, जो योग का मान होता है 24 प्लस जो अंतर का मान होता है 12, दोनों को जोड़ करके दो से क्या करेंगे काट देते हैं तो एक संख्या आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा जब इसको जोड़ के काटेंगे तो 24 12 कितना होगा 36/2 अर्थात ये जब कटेगा क्या आएगा 18 आएगा, एक संख्या आपको मिल गई, उसमें से एक संख्या आपकी कौन सी है 24 में से एक संख्या क्या है 18 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, योगफल वाली संख्या में से क्या करेंगे अंतर वाली संख्या का जो मान होता है उसको घटा करके 2 कर देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 12/2 मिलेगा, काट देने पर क्या मिला 6 मिल गया। दोस्तों यहाँ पर हमने पहले ही काट दिया था, इसको नहीं काटना चाहिए था, बाद में कटा, यहाँ पर 6 आया। दोस्तों देखिए वहाँ पर भी x का मान 18 आया था और y का मान 6 आया था, अब हमें क्या करना है इन्हीं अंकों का वर्ग करना है, इन संख्याओं का वर्ग आपको ज्ञात करना था, वर्ग कर दिया आपने, यहाँ पर 324 तो करना ही पड़ेगा, 36 करना पड़ेगा, 360 आंसर आएगा आपका, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को आपके सामने रखते हैं और आप लोग हल करके आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह से लगा आपको ये ट्रिक, कितना आसान है, दो संख्याओं का योग अगर यहाँ पर दे दिया जाए 50 है, दो संख्याओं का योगफल क्या है 50 है तथा अंतर क्या है, तथा अंतर मान लेते हैं कितना है 20 है, दो संख्याओं का योगफल क्या है 15 और अंतर सॉरी दो संख्याओं का योगफल 50 और अंतर क्या है 20, तो वर्गों का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो वर्गों का योगफल आप कैसे निकालेंगे, आइए हम दिखाते हैं आपको आसान सा तरीका ट्रिक द्वारा, 50 में आपने 20 को जोड़ दिया 2 कर दिया, यहाँ क्या मिला 70/2 क्या मिला 2 कट गया, आंसर क्या है आपका 35, फिर क्या करेंगे आप 50 में से 20 को घटा देंगे 2 कर देंगे, क्या मिला 30/2 कर दिया, क्या मिला आपको 15 मिला, एक संख्या आपको मिला 15, दूसरी संख्या आपका क्या है 35 है, तो दोनों का योगफल अगर आप निकालेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है आपका 35 और 15 जोड़ने पर 50 मिल रहा है, 35 में से 15 घटाने पर क्या मिल रहा है 20 मिल रहा है, तो विश्वास हो गया होगा आप लोगों को ये ट्रिक हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करेंगे, इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है तो देखिए कितना आसान है कि संख्या का वर्ग अर्थात 35 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, अब देखिए दोस्तों ये आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा
अगर लंबी संख्या आ गई इस तरह से तो थोड़ा सा आपको टफ होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि कोई संख्या है उसके इकाई का अंक 5 है और आपको वर्ग निकालना है तो कितना सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल तरीका। जैसे 35 लिखा हुआ है यहाँ पर, 35 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा 25 लिखेंगे और यहाँ पर जो अंक दिया रहेगा दहाई के स्थान पर, यानी इकाई के अंक को छोड़ करके उसके बाद दहाई और सैकड़ा पर जो भी अंक होंगे उनके आगे की संख्या हम ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, 3 है तो 3 के आगे की संख्या क्या है, 4। उस 4 का यहाँ पर आप 3 में मल्टीप्लाई करिए, 4 तिहाई 12, ये रहा आपका आंसर, कितना सिंपल हो गया। इसके बाद देखिए 15 का आपको निकालना है वर्ग, इसमें भी इकाई का स्थान क्या है, 5 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आप 25 लिख दीजिए। इसके बाद 1 के आगे की संख्या क्या है, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, ये रहा आपका आंसर। तो आप क्या करेंगे, इसका मान निकालना हो गया तो 1225 प्लस 225 आप जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या होगा 1250, ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल मेथड है, ये है ट्रिकी मैथमेटिक्स, ट्रिकी मैथमेटिक्स। अगर आप क्या करेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो इस टॉपिक को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये जो ट्रिक होता है दोस्तों, एक बार सुनने के बाद आपको अच्छा जरूर लगता है, देखने के बाद अच्छा जरूर लगता है, लेकिन भूल जाते हैं। यदि आप कॉपी पेन लेकर के इसको कहीं पर नोट करके रख देंगे तो आप भूलेंगे नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी आप रख सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम से पहले आप सोच रहे होंगे कि ये ऑनलाइन वीडियो हमको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पर हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए एंड मौके पर, या हो सकता है कि आपका नेट पैक समाप्त हो जाए, या हो सकता है बफरिंग कर ले, आपको एग्जाम देना है, तैयारी करना है, तो नोट्स में आप इसको ज़रूर बना के रखिएगा किस तरीके से इकाई का अंक 5 होने पर हम वर्ग निकालते हैं। ये सिर्फ इकाई का अंक 5 होने पर नियम लागू होता है, और उसका क्या निकालना होता है, वर्ग निकालना होता है, सिर्फ उसके लिए मैंने ट्रिक बताया है। इसी प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, जब इकाई का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है 2225 के पावर 2 लिखा हुआ है, इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है, तो बस तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ पर 25 लिख दीजिएगा, उसके बाद दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या मिला, 22 मिला, 22 की आगे की संख्या क्या है, 23 है, तो अब 22 का मल्टीप्लाई आप 23 में करेंगे, तो 22 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 22 तीन 66 के क्या हो जाएगा, 6। ऐसे इस तरह से 22 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे या 23 ऊपर लिख दें तो 22 तीन 66 के 6, हासिल कितना लगेगा, 6 लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे, 22 दूना 44, 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 50, ये रहा आपका आंसर, बिना कुछ किए कितने आसानी से आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी दोस्तों संख्या सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश 9 तक के सभी अंकों से बनने वाली जो भी संख्याएँ होती हैं, वे सभी संख्याएँ क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ। इसके बाद क्या होता है, अगर इसी में आप क्या शामिल कर लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं इसके साथ ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ले लिए, तो ये आपका क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया, पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या करते हैं, इसी में एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, क्या शामिल करना है आपको, -1, -2, -3 डैश 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 आगे 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे, ये क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। दोस्तों ये चार्ट आप जरूर याद रखिएगा। अब इसमें कुछ अंक आपको छूटे हुए मिले होंगे, जैसे यहाँ तो सब पूर्ण पूर्ण थे, अब आपको बटे में भी अगर आपको कहा जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, ये सभी संख्याएँ क्या हो सकती हैं, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 1/2, 3/5, -3/7, 8/9 इस तरह से लिख दिया जाए, तो ये क्या क्या कहा जाएगा, ये टोटल मिला के क्या बन गया, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी। अब आपसे पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो बड़े आसानी से आप आंसर देंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया वो तो परिमेय संख्या होती ही है। ये लोग परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कैसे परिमेय संख्या बन सकती है, इसको बटे एक लिख सकते हैं, इसको भी बटे एक लिख सकते हैं, जीरो को भी बटे एक लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्याएं बन सकती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, नहीं। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, नहीं। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती, नहीं।
लेकिन सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाए, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए, कर्णिम दो, कर्णिम में तीन, कर्णिम में पाँच, अब ये क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इतना ये क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन ये सब अपरिमेय नहीं होंगे। जिन संख्याओं का क्या होता है, पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वे संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, ये कभी कभी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ये सभी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, सब मिला के टोटल ये जो है ये सब क्या बन गया आपका? ये आपका हो गया क्या? वास्तविक संख्या। मतलब ये टोटल मिला के सब क्या बन गया? वास्तविक संख्या बन गया। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं को भी आप रख सकते हैं और परिमेय संख्याओं को भी रख सकते हैं, पूर्णांकों को भी रख सकते हैं आप, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या है, सब क्या होती हैं आपकी? वास्तविक संख्याएँ होती हैं। एक होती है काल्पनिक संख्या, जिसमें क्या होता है, आई लगा होता है, आई जुड़ा होता है, या आई घटा होता है, आई से गुणित होता है, आई से भाग किया गया होता है, तो सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्याएँ होती हैं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संख्याओं का योग, यानी प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे क्रमागत संख्या पूछा जाता है आपसे, ऐसे कह दिया प्रश्न कि क्रमागत संख्या के बारे में, पहले हम सीखते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। मैं आपको क्रमागत संख्या के बारे में आज बताने वाला हूं। जैसे कह दिया कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 10 है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है दे दिया आपसे कि 10 है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है 10 या 11 कर देते, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है 11 तथा अंतर 1 है तो संख्या बताइए, संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्योंकि भी स्टार्टिंग है, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये भी मैं आपको छोटा दिया हूँ। क्रमागत संख्या का क्या मतलब होता है दोस्तों, जानिए, जो क्रम से आगत, मतलब जो क्रम से आ जाए वही क्या होता है, क्रमागत संख्या होती है। जैसे एक है, एक की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी 2 होगी, दो की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी 3 होगी, 3 की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी 4 होगी। तो ये आ कैसे रहा है दोस्तों, ये आ रहा है सभी संख्याओं में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, एक जैसे जैसे आप एक जोड़ते जाते हैं तो अगली क्रमागत संख्या आपको मिलती जाती है। तो यहाँ पर क्या है आपका, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, एक जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, एक जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, फिर आगे एक जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये नहीं पता है, कोई भी संख्या नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं माना दो क्रमागत संख्या, पहली संख्या अगर x है तो अगली संख्या क्या मिलेगी आपको, दो क्रमागत संख्या यही होगी x, दो क्रमागत संख्या x तथा x प्लस 1 है, ऐसे आप मान लेंगे। यानी कि अगली क्रमागत क्या मिलेगी, एक जोड़ने पर या एक घटाने पर मिलेगी, यही तो होगा, एक घटाने पर भी आ सकता है। अब इनका योगफल क्या होगा, यानी x प्लस 1 बराबर दिया है 11, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 2x प्लस 11 बराबर 1 बराबर 11, तो 2x बराबर क्या होगा 11 माइनस 1 बराबर 10, तो 2x बराबर क्या होगा 10, x बराबर क्या होगा 10 बटे 2 बराबर क्या आएगा 5, x का मान क्या आएगा 5 आएगा। यानी एक संख्या मिल गई आपको 5, तो अगली क्या होगी 5 प्लस 1 बराबर क्या मिला 6 मिल गया। सिंपल, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है ये है। लेकिन अंतर भी दिया था, ऐसे आप हल करेंगे, बस केवल ऐसे आपसे पूछ दिया दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 11 है तो संख्याएं बताइए, तो आप बता देंगे, लेकिन ये लगाने का तरीका हर बार सही इसके लिए तो हो जाएगा, लेकिन अगर अंतर भी दिया है तो आपको कंडीशन के हिसाब से लगाना होगा। तो आपको कैसे लगाना होगा, तो दो क्रमागत संख्याओं का योगफल आप लिख लेंगे, फिर क्या होगा अंतर भी निकालेंगे, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर ऐसे दिया हुआ है, यानी x प्लस 1 माइनस x बराबर क्या दिया है 1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको काट देंगे, देखिए ये 1 आ रहा है, आपको संख्या बतानी थी तो अंतर क्या होगा, देखिए 6 में से 5 घट गया तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो दो क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या हो गया 6 माइनस 1 अर्थात 5, आपका उत्तर तो सही है। दोस्तों आज के लिए
बस इतना ही, हम एक नए टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के माध्यम से आप लोगों को हम एक अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग लेसन पर, जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक के बारे में हम डेली क्या करेंगे, एक एक वीडियो बना करके आप लोगों को आप लोगों के सामने देते रहेंगे, इस तरह से अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोग क्या करें, एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स पाएँ। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।